बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने पूरी तरह से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसके चलते आज खंड शिक्षा अधिकारी ने प्राइवेट स्कूलों पर जाकर अपनी टीम के साथ में छापे मारे। इस दौरान जिन स्कूलों की मान्यता नहीं थी उन स्कूलों को बंद कराया। बताया जा रहा है काफी समय से जिले में ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं जिनकी मान्यता नहीं है और वह चरम सीमा पर चल रहे हैं और बच्चों के भविष्य को खराब करने पर लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसके चलते शिक्षा विभाग पूरी तरह से हरकत में आ गया है। सर, ये क्या मामला है? स्कूलों को बंद कराया गया है, जांच के दौरान क्या है, किस जगह का मामला है? देखिए कि हमारे क्षेत्र में शिकायत मिली थी कि मजरा गौहरपुर में एक गैर मान्यता विद्यालय चल रहा है, जबकि शासन के निर्देश हैं कि कोई भी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित नहीं होगा। तो उसी के साथ मैं अपनी टीम के साथ गया था और मौके पर मुझे गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित मिला था और उसको मैंने तत्काल बंद कराया था। और जो बच्चे जो उसमें पढ़ रहे थे उनको हमने अपने नज़दीकी प्राथमिक विद्यालय में नामांकन के लिए वहाँ के प्रधान अध्यापकों को निर्देशित कर दिया है कि वो उन सारे बच्चों को नामांकन अपने विद्यालय में कराएं। ये बताया जा रहा है कि कई बार ये बंद करने के बाद में इसका प्रधान अध्यापक ने स्कूल को खोल लिया है, क्या? हाँ, पहले एक बार और भी शिकायत मिली थी तो उस समय हमने इनको नोटिस जारी किया था और नोटिस का इन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर मैंने अपने वहाँ के जो संकुल प्रभारी थे उनको भेजा था, स्कूल बंद करा दिया था। फिर भी इन्होंने दोबारा समझाने में आया कि दोबारा फिर स्कूल खोल दिया, तो मैं खुद ही गया वहाँ पर और मैंने खुद स्कूल को बंद करा दिया है।